शनिवार है तो प्रसाद भी चढ़ा देंगे। ये देखो सब्जी का कलर कितनी मस्त सब्जी बनी है, तो अभी लगे राहर भी लगी है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ मैं आ गई हूँ नहाकर और अब अपने किचन में काम शुरू कर दिया। ये दूध है तो दूध की मलाई निकाल दे रहे हैं, इधर चना तली रखे हैं तो इनको चने में नाश्ता दे, चने का नाश्ता दे देंगे। और ये दूध की मलाई है तो इसको खुरच के इस तरह किनारों से निकाल देते हैं। और फिर नहा के आए हैं तो दो बार चाय पीते हैं, बताए ना आपको, कई बार बता चुके हैं। तो नहा के आए हैं तो चाय चला देंगे, इधर चाय बन जाएगी। और कल रात में देखा था आपने, मतलब जो गोभी की सब्जी बनाई हुई थी हमने, बोल रहे थे समोसे बनाएंगे, तो रात में वो वीडियो शूट किया था। तो गोभी की सब्जी रात में बना के रखी हुई थी, गोभी मटर ये रखी है, देखो आपको दिखाते हैं। ये गोभी मटर रात में तल लिए थे कि इसके समोसे बनाएंगे, तो आप अभी बनाएंगे, अब सुबह समोसे बना के दिखाएंगे आपको गोभी मटर के। क्योंकि सुबह से फिर इतना सब काम हो नहीं पाता है तो जो समोसे में भरना था मसाला वो रात में तैयार करके रख लिया था। सुबह जल्दी जल्दी फिर चटनी भी बनाओ, ये सब करो तो नहीं हो पाता। तो अभी तो चना दिए दे रहा है क्योंकि बासी मुंह समोसा नहीं खिलाएंगे, तो चने दिए दे रहा है तो चने खा लेंगे, चाय पी लेंगे, फिर 12-1 बजे तक बनाएंगे समोसे गोभी मटर के। ये रायता बन गया है, रायता में अभी तड़का लगाना बाकी है। रायता भी आपको बता चुके हम किस तरह बनाते हैं, हरी मिर्च लहसुन पत्ती राई जीरा सब पीस के डाल दिया, नमक काला नमक। आज हमारे यहाँ मंदिर में जहाँ मेला गए थे वही राम कथा बैठी हुई थी, तो आज उसका भंडारा भी है। तो देखिए भंडारा में अगर कोई साथ मिल गया तो जाएंगे, ये तो जाएंगे नहीं क्योंकि आज बाजार का दिन है, तो ये दुकान खोल के बैठेंगे, मतलब जा पाएंगे। अगर कोई साथ मिला तो चले जाएंगे, नहीं मिला तो नहीं जाएंगे। आज वैसे कालीगंज में वो मुख्यमंत्री योगी जी भी आ रहे हैं तो वहां भी ये बोल रहे थे कि चलना हो तो चलो, लेकिन मैं बोली कि दुकान बंद हो जाएगी, अगर जाएंगे उधर तो दुकान बंद हो जाएगी, इस वजह से नहीं जा रहे हैं। बहुत अच्छी भीड़ है, बोल रहे हैं बहुत भीड़ है और बहुत अच्छी रौनक, मतलब बहुत अच्छी डेकोरेशन वगैरह भी करवाई गई है मुख्यमंत्री जी के स्वागत में। लेकिन अगर आज बाजार का दिन नहीं होता तो जरूर जाते हैं, लेकिन क्या करें आप नहीं जा पा रहे हैं, नहीं तो दिखाते आप लोग को कालीगंज का किला वाला भी दिखा देते और योगी जी के की खांसी आ रही है, अभी भी खांसी हल्की हल्की आती रहती है। ये चना तल गए हैं, इसमें प्याज व्याज डाल के इनको दे देंगे, इधर चाय रख रहे हैं। ये देखिए 2 प्लेटों में चना लगा लिया, आज थोड़े से हम भी खा लेंगे, थोड़ी चना खा लेंगे चाय पी लेंगे, ये इधर चाय बन रही है। तो पता मुझे भंडारा खाने में बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है एक भंडारा खाना और एक है ना खेत से या पेड़ से लगे हुए फल या सब्जी वगैरह तोड़ना। पेड़ में जो फल लगे रहते हैं ना वो तोड़ के और चुरा के खाने में जो मजा आता है, और मतलब चाहे जितना सस्ता हो लेकिन मार्केट से खरीदने में जैसे बेल लगे हों अमरूद लगे हों ये पेड़ से तोड़ने को मिल जाए ना तो बहुत अच्छा, बहुत मजा आता है, मतलब उसे मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। और एक भंडारा खाना, भंडारा अगर मुझे ना मिले तो बहुत दुख होता है, भंडारा खाने का बहुत शौक है मुझे। तो ये चना तल दे रहे हैं, अब देखिए जा पाते या नहीं जा पाते, नहीं जा पाएंगे तो क्या कर सकते, जाएंगे तो जरूर जाएंगे फिर अगर कोई साथ मिल गया। इधर चाय खोलने लगी है, इसको शुरू कर देते हैं। ये देखिए इतनी मलाई हो गई है 4-5 दिन की, अब 3-4 दिन बाद इसको फिर हो जाएगी ये घी बनाने लायक, मतलब भर जाएगी गंजिया तो घी बना देंगे फिर इसका। इसमें थोड़ी प्याज डाल ले रहा, मीठी चटनी तो बनी ही रखी है, बना के एक रख ली थी ज्यादा सी,
कोई चीज में डालना पड़ती तो फिर बार बार कहाँ बनाती रहो, या फिर सॉस रखे रहो तो सॉस तो अभी खत्म हो गया, यहाँ मिलती भी नहीं है बड़ी सी सी, तो सॉस नहीं है इस वजह से, नहीं तो सॉस डाल देते हैं। मीठी चटनी बना के रख ली थी, कोई चीज में डालना है तो फटाफट निकाली फ्रेश से वो डाल ली। ये प्याज के छिलके डस्टबिन में डाल दे रहे हैं। बहुत दिन से मन था समोसे घर में, अपने हाथ का बनाया समोसा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मार्केट के इतने अच्छे नहीं लगते जितने अपने हाथ के बनाए लगते हैं। बहुत दिन से सोच रहे थे क्या समोसे बनाना, लेकिन क्या है नहीं, आलू नहीं देना इसकी वजह से नहीं बना पाते थे, लेकिन हमने सोचा आज गोभी और मटर के समोसे बनाते हैं। तो गोभी मटर के समोसे बनाए, उसमें मतलब एक दो ठो आलू डाले हैं थोड़ी चिकनापन लाने के लिए, बाकी आलू नहीं डाले हैं, ज्यादा नहीं डाल, बिल्कुल एक आध दो इतने इतने आलू, और मटर डाली है, गोभी डाली है, बस उसी के बनाएंगे। आप लोग देखिएगा कितने टेस्टी लगेंगे वो भी, क्योंकि उसमें बहुत सारा, जैसे आलू का मसाला तलते सौंफ जीरा धनिया लहसुन मिर्ची अदरक ये सब कुछ डाल दिया, अमचूर डाल दिया, गरम मसाला डाल के अच्छी सब्जी बनाई थी, कल टेस्ट भी कर ली थी, बहुत टेस्टी लग रही थी। सुबह का सारा काम खत्म कर लिया, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब हो गए हैं, अब बस मसाला बना ही रखा है। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय के साथ चना, गर्म चाय के साथ गर्म चने। ये देखिए दोस्तों, हम तैयार होके आ गए हैं, जा रहे हैं भंडारा खाने, आप लोग को दिखाएंगे, हनुमान जी के मंदिर में भंडारा है, चलिए आप लोग भी चलिए साथ में। यहाँ से देखो नारियल ले रहे हैं भगवान को चढ़ाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में, आज शनिवार है तो प्रसाद भी चढ़ा देंगे, दूर से प्रसाद चढ़ा देंगे, मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे। ये भगवान का घंटा लगा हुआ है, मंदिर के अंदर न जाइयो, अंदर न जाइयो। ये आ गए हैं मंदिर में, ओम विष्णु 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 पूर्वोच्चारित गुण उत्तम। यहाँ हवन कुंड हो रहा है, हवन हो रहा है, यहाँ विपुल धन धान्य ऐश्वर्य कामना से रामायण की पूर्ति हो गई, तो उसी का हवन हो रहा है। ज्ञाने न संकल्प अहम करिष्ये वयम करिष्यामहे। ये देखो आइसक्रीम वाला है, आइसक्रीम ले रहे हैं, ये सर्दी आई है वो आइसक्रीम खिला रहे, और खांसी आएगी। ये चाट फुल्की वाला लगा है, ये वाली आइसक्रीम ली है, ये यहाँ फोटो खींच रही है। आज लड्डू ये लगाए हो, जलेबी नहीं लगाए, लगाए हैं, कहाँ लगी? ये देखो मेला में अब भीड़ कम हो गई है, क्योंकि आज भंडारा है, शाम को होगी भीड़ अच्छी, 3-4 बजे से भीड़ बढ़ जाएगी। अभी तो खाली पड़ी है दुकानें, देखो ये भंडारा का सलाद कटा हुआ रखा है, यहाँ खाना बन रहा है भंडारा का। ये आलू सब्जी के लिए रखे हैं, तैयारी चल रही है भंडारा की अभी। ये इधर आलू उबाले जा रहे हैं, ये रखे इतने बड़े बड़े गंजा भरे, सब्जी बनी हुई रखी है। ये देखो सब्जी का कलर कितनी मस्त सब्जी बनी है,
इतने बड़े बड़े पतीला भरे हुए रखे हैं, ये सारे पतीलों में सब्जी भरी हुई रखी है। बहुत बड़ा भंडारा है। राहर के खेत है, अभी भंडारा शुरू नहीं हुआ दोस्तों, तो हम लोग शाम को आएंगे अब फिर से, क्योंकि अभी कन्यान्या खाएंगी, अभी भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया हनुमान जी के मंदिर में, बस प्रसाद चढ़ा के हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि आज बाजार का दिन है तो रुक भी नहीं सकते, तो दुकान देखे रात में आएंगे फिर। ये देखिए राहर लगी हुई है, यहाँ चारों तरफ खेत ही खेत हैं। इधर ये देखिए पंडाल देख रहा पीछे, यहाँ से है उधर हनुमान जी का मंदिर। इस साइड सरसों भी लगी है, राहर भी लगी है, सबके खेत में सरसों राहर चना। उस साइड देखो राहर खड़ी हुई है, ये सरसों के खेत हैं पूरे में, इधर खेत ही खेत नजर आएंगे जहाँ तक देखो। ये देखो चारों तरफ का व्यू, ये भी राहर खड़ी हुई है, इधर उस साइड सरसों लगी है, ये चना की मतलब चना लगी है, अभी छोटे छोटे हैं, अभी बड़ी नहीं है भाजी, ये बारी लगी है, नहीं तो अंदर चल के दिखाते, बारी से छेक रखा है इन लोग ने, छोटे छोटे चना की भाजी है अभी। देखिए ये है छोटी छोटी भाजी है अभी, चना नहीं, किसी के खेत में चना हो भी गए होंगे लेकिन इधर नहीं है अभी, राहर और चना एक साथ लगे हुए हैं। देखो आ रहे हैं लोग, सरसों भी लगे हैं, सरसों भी लगे, राहर भी लगी है और चना भी लगे, जे नहीं लगे चना यहाँ छोटे छोटे। चलिए दोस्तों हम चल रहे हैं, अपनी बाइक से भंडारा तो मिला नहीं है, अब घर में चल के समोसा बना के खाएंगे।